हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रोथर, रोथर जेलिस इज माय नेम। तो आज हमारे साथ हैं दो लोग, ऐसी हस्तियां, महान महान हस्तियां, और यहां पर एक की रैंक है 2,37,000 46,000, मतलब 2,46,000, और एक भाई साहब की रैंक है 1,91,000, मतलब इनकी रैंक है 2,00,000 से कम और इनकी रैंक है 2,00,000 से ज्यादा, मतलब 2,50,000 समथिंग। लेकिन भाई साहब को जो कॉलेज चाहिए था वो कॉलेज इनको भी चाहिए था, राइट? तो इनको जो कॉलेज चाहिए था वही इनको चाहिए था, लेकिन आप देखिए दुविधा क्या है कि यहाँ पर इनको वो कॉलेज मिल गया है, इनको नहीं मिला है। और कैटेगरी से में जी EWS, आपकी भी EWS है। आप देखिए कैटेगरी सेम है, रैंक अलग अलग है, रैंक इनकी ज्यादा है, रैंक कम है, लेकिन इनको वो कॉलेज मिल गया। अब कहीं ना कहीं हमारी कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है, गलतियां होती हैं। अब जैसे कि हम इनकी चॉइस फिलिंग यहां से देख पा रहे हैं, तो देखिए आप, ये हमने चॉइस फिलिंग यहां पर देखिए अभिषेक उपाध्याय की, तो इन्होंने पहले GS ITS भरा है, बहुत बढ़िया है। हालांकि भरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये मिलना ही नहीं था, राइट? दूसरा आपने भरा है यहाँ पर, बताइए। DAV भरा है दूसरा, उसमें भी CS भरा है, तीसरे पे JEC भरा है, और चौथे पे RGPM भर दिया, राइट? RGPM भर दिया। अब RGPM भर दिया तो यू नो RGPM क्या है असल में, इनको लगा कि ये RGPB है। क्या RGP टाइप करोगे ना आप, तो सबसे पहले यही आएगा ऐसा, और उसका नाम बल्कि स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसा है, तो राइट, आप एस टाइप करो तो ज्यादा बेटर, अगर आपको वो चाहिए तो। तो अब ये देखिए, इन्होंने जैसे ये डाला, हालांकि ये कॉलेज इनको मिला नहीं, इसके बाद इन्होंने जो डाला मिला इनको डबल ही, राइट? क्यों मिला? माधव की इलेक्ट्रिकल ब्रांच इनको मिली। इसका मतलब ये है कि ऐसे 100 बच्चों ने गलती से उनको ये मिल चुका है, उनको मिल चुका है, क्योंकि ये कॉलेज तो बिल्कुल अंतिम कगार पे, भले इस कॉलेज को तो कोई भट्टे के भाव नहीं पूछता होगा। आप ऐसे सोचो कि ऐसे 100 लोग अगर 120 सीटें हैं, तो यहाँ पर 1,50,000 की रैंक के ऐसे बच्चे, और उनको वो कॉलेज मिल चुका है, कितनी बड़ी बात है। 100 लोगों का फ्यूचर ही खराब हो चुका है कहीं ना कहीं, और ये कॉलेज मिलने के बाद, और ये चीज DTE को भी सोचना चाहिए, या तो ऐसे कॉलेजेस को लिस्ट से हटाए या इनका नाम चेंज करके RGPM लिखे, राइट? सो राजीव गांधी का इस तरह से यूज ना किया जाए। अब हम यही बताते हैं, हालांकि एक इनके साथ बड़ी अच्छी बात ये हुई है, हजेला जी के साथ, ये आपका वो, राइट, कि आप कि काउंसलिंग के टाइम पर हमारे पास आए, हमने यहाँ पर बताया, सारी चीजें करी, और इनको ये भी बताया कि कौन सी ब्रांच मिलना है, क्या बताया गया था? हाँ, मेरे को स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CSBS बताया गया था, इस ब्रांच पे टारगेट करने के लिए, इस रैंक पे टारगेट करने के लिए, वही मेरे को अलॉट हुई। तो इनको जो चॉइस फिलिंग बताई गई थी, एक भर के दी गई थी कागज में, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगी जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये देखिए, इन्होंने अब वो चीज चॉइस फिलिंग भरी है, राइट, जो चीज इनको बताई गई थी, और वहां पर कौन सा है, 41। हालांकि हमने ऊपर कॉलेज इसलिए बताए थे, इनको आपको पहले ही बताया था कि आप चाहो तो भर दो, राइट, अपनी संतुष्टि के लिए, कि मिलना तो है नहीं वो, ये भी बताया गया था। तो कौन सा कॉलेज बताया था? बहुत सारा बताया था, ऐसे जो ऊपर के मालूम था मिलना नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी मैंने कहा था कि आपको भरने से कोई ड्रॉबैक नहीं। अब देखिए, एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको वो चीज ध्यान में रखना है, सही चॉइस फिलिंग आपको कैसे एक अच्छा कॉलेज दिला सकती है। ये मैं चिल्ला चिल्ला के, मतलब अपना गला फाड़ दिया मैंने, लेकिन लोग इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते। एक इसमें सिली सी मिस्टेक भी आपका फ्यूचर खराब कर सकती है। सो अभी तो हम चलो अभिषेक की बात कर रहे हैं, जिनकी 1,91,000 रैंक है, और उस कॉलेज की अगर आप पूरी काउंसलिंग में देखोगे तो अभिषेक 10 सीटें भी नहीं भरेंगे, इस लेवल का कॉलेज है वो, राइट? लेकिन अभी अगर इनको 1,91,000 में भी वो कॉलेज नहीं मिला है, तो ये सोचने वाली यही है, अच्छा, ये सोचने वाली बात है, 1,91,000 की रैंक में, मतलब ऐसे 1,50,000 की रैंक के अंदर कई बच्चे होंगे जिन्होंने भर दिया और उनको वो मिल गया। अब जितनी सीटें हैं, इतने बच्चों ने गलत चॉइस फिलिंग कर दी, तो आप सोचिए कितने बच्चों का भविष्य खराब हुआ होगा। तो कोई मैसेज संदेश देना चाहते हो? हाँ सर, संदेश यही है कि सबको चॉइस फिलिंग के लिए एक काउंसलर की जरूरत होती है, क्योंकि जो चीज का लोगों ने एक्सपीरियंस, जिस व्यक्ति ने एक्सपीरियंस लेकर रखा, अपन उससे सबसे पहले पूछेंगे, तो वो ज्यादा जरूरी है। और मैं ये बता दूं, जरूरत नहीं है मेरी करो, ये तो सारा आपको नॉलेज वहां पर यूट्यूब पे मिल जाएगा। और मैं ये भी वादा करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इसकी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई, आज ये दोनों साथ में, ये काउंसलिंग रोथर जेलिस की काउंसलिंग बिकाऊ नहीं होगी, मतलब पैसों में नहीं खरीदी जा सकती।
आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं अभी ये चीज बता रहा हूँ, फिर से ऐलान कर रहा हूँ या एक तरह से मैसेज देना चाहता हूँ, अब दूसरा अभी से कोई और नहीं बनेगा, राइट। सो आपको ये शेयर करना है, और मैं यहाँ पर भले ही मुझे यहाँ पर 5 नहीं 6 घंटे लाइव आना पड़े, मैं आपको काउंसलिंग करना बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कॉलेज भरना है कौन से नहीं। तो अब आपका भी फर्ज है क्या करने का, शेयर करने का अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप के साथ, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मैं तो कहूँगा दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो भी। हालांकि अभी से अभी जहाँ सेफ जोन में है, सही टाइम पे आया, इसने फ़ोन किया, अपग्रेड करना नहीं करना हो गया। और ये भी मैं प्रॉमिस करता हूँ अभी से, जहाँ कहाँ चाहते हो अभी से? मैं चाहता हूँ कि मुझे आरजीपीवी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो अभी से अगर आरजीपीवी चाहता है तो ये भी मेरा वादा है अभी से कि वो वहीं पर पढ़ेगा, राइट। सो ये क्योंकि अब मैं करूँगा ऐसी काउंसलिंग, बट ऐसे हजार लोग हैं, कोई मंदसौर से है, कोई नीमच से है, कोई सीधी से है, रीवा से है, सतना से, जो लोग यहाँ नहीं आ सकते, राइट। सो आपको बस घर पे बैठ के एक पेक अपना डलवाना है और वहाँ पर आपको गाइडेंस दिया जाएगा। कोई मैसेज चले, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बाकी।